नागौर का हनुमान बेनीवाली से मैं कहना चाहूँगा, अब आप सिर्फ एमएलए नहीं हो, एमएलए थे, आपकी भूमिका अलग थी हाउस के अंदर भी और उसके बाहर भी। जो आप सबको मालूम है कि उनके बोल क्या होते थे वसुंधरा जी के बारे में, अशोक गहलोत के बारे में, नेताओं के बारे में, वो जग जाहिर है। अब वो सम्माननीय मेंबर पार्लियामेंट बन गए हैं, उनका व्यवहार उसी रूप में होना चाहिए जैसे कि राजस्थान की, नागौर की, हनुमान बेनीवाल खुद की, उनका मान सम्मान बढ़े, उनकी गरिमा बढ़े। बिना इश्यू के इश्यू बना के आप इस प्रकार से आप अगर दबाव दोगे सरकारों पर तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश से बंजारा समाज के जो लोग वहाँ रह रहे थे अवैध रूप से, उनको हटाने की कार्रवाई हुई। जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होने लगे तब हुई थी। एक आदमी मारा गया आदमी, ड्राइवर बेचारा जो गया था इस काम को करने के लिए, और उल्टा चोर कोटवाल को डालने वाली कहावत हो रही है, आप धरना दे रहे हो कि आप तो आप कार्रवाई करो इन लोगों के खिलाफ जो आए थे। तो ये मेंबर पार्लियामेंट के लिए शोभा नहीं देता है। जो आदमी लोकसभा में जाके शपथ ली हो जिसने संविधान की, उसको संविधान की मूल भावना के अनुरूप काम करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, मेरा मानना है। और मैं अपील करूँगा हनुमान बेनीवाल से कि कृपा करके आप बक्सो राजस्थान को और नागौर को उठो धरने से, और जिनको लोग जिन लोग मर गए हैं उनका उनके लिए आप क्या कर रहे हो, उनके यहाँ घर पे जाओ, सहानुभूति प्रकट करो। इतने नहीं, वो मुसलमान था, हिंदू था, सवाल ये कि एक इंसान मर गया है और बेकसूर मर गया है, गाड़ी चला देगी उसके ऊपर, उसकी चिंता नहीं है, लोगों को भड़काने की चिंता है। तो मैं समझता हूँ कि ये परंपरा अच्छी नहीं है।